लड्डू लाना। क्या चार लड्डू? यस गाइस, अगर आपने सुनो चार लड्डू लाना लाइन याद कर ली ना, तो समझो आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की इम्पोर्टेंस याद कर ली। सो आपको पता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग की इम्पोर्टेंस एग्जाम में ज़रूर आती हैं, तो आपको बस क्या याद करना है, सुनो चार लड्डू लाना। अगर आपने ये याद कर ली तो समझो फाइनेंशियल प्लानिंग की इम्पोर्टेंस याद हो गई। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की इम्पोर्टेंस बहुत ईजिली याद हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ना उसमें डिफरेंस क्या है, जबकि हमें दोनों सेम लग रहे हैं। एक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एक है फाइनेंशियल प्लानिंग, और मैनेजमेंट और प्लानिंग ऑलमोस्ट हमें क्या लगता है, सेम लगता है। लेकिन क्या डिफरेंस है गाइस, जब भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, सो हम लोग बात करते हैं एक लार्ज स्केल की, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं कि कौन सा हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना पैसा हमारे को लगेगा उस इन्वेस्टमेंट में। उसमें फाइनेंसिंग डिसीजन भी आ जाता है, डिविडेंड डिसीजन भी आता है। बट फाइनेंशियल प्लानिंग, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आप ये कह सकते हो इंटरनल पार्ट है। कैसे? क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग में हम क्या डील करते हैं, हम ये डील करते हैं कि जब हमें इतना पैसा चाहिए होगा, हमें इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होने वाली है, हमें स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कितना पैसा चाहिए, हमारा बिजनेस चलता रहे समय समय पर, हमें इतना इतना पैसा चाहिए होगा, वो हमारे पास होना चाहिए, एट अ रीजनेबल कॉस्ट होना चाहिए, ज़्यादा पैसा भी इकट्ठा ना कर ले हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। सो ये सारी इंटरनल जो स्मूथ फंक्शनिंग के लिए प्लानिंग की जाती है, उसे फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। सो आपको तो ये तो पता ही है कि मैनेजमेंट इज़ अ बिग टर्म, मैनेजमेंट में 5 फंक्शंस है, बट प्लानिंग इज अ स्मॉल टर्म, राइट, जो कि पार्ट होता है मैनेजमेंट का। सो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, जब आप इंटरनल प्लानिंग करते हो फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग, ताकि भाई बिजनेस में फाइनेंशियल की कोई कमी ना आए, आपको जब भी पैसा चाहिए आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। अब देखो बुक में इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है, द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस एंड स्पेसिफाइंग द सोर्स ऑफ फंड इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। हमें यहाँ पे एस्टिमेशन लगाना होता है, भाई इस समय पर हमें इतना पैसा चाहिए होगा, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन। एंड सोर्स कहाँ से आने वाला है, कितना हम कहाँ से लेने वाले हैं, क्या हम इंटरनली अरेंज कर लेंगे इस पैसे को, क्या हमारे पास इतनी सेविंग्स है, या हमें बाहर से लेना पड़ेगा। सो दैट इज़ दी फाइनेंशियल प्लानिंग। जैसे कि अगर मैं आपको एक बोलूँ कि आप कोई ज़मीन खरीदने जाते हो, सो आप ज़मीन में आपको पता है कि आपको सपोज करो कि 1 करोड़ की बढ़ रही है, तो 1 करोड़ में आप इंटरनल फिर प्लानिंग करते हो ना कि भाई आपके पास कितना पैसा है, घर बनवाने में भी खर्चा आएगा, तो वो कहाँ से आने वाला है, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है गाइज, सो अब फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग तो हमें क्लियर हो गया, अगर नहीं हुआ तो आप मेरे से दोबारा पूछ लेना, बाकी इसमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। सो क्या ये, इसका एम क्या होता है, इनेबलिंग द कंपनी टू टैकल द अनसर्टेनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अवेलेबिलिटी एंड टाइमिंग ऑफ द फंड। तो यानी कि इसमें क्या होता है कि भाई ये सिचुएशन को डील करता है कि भाई कहाँ से पैसा आने वाला है, और अगर कोई अनसर्टेनिटीज आ जाती है कि भाई एकदम से कैसे ये होगा, तो हमारे पास फुल प्लानिंग होनी चाहिए कि यहाँ से है तो पैसा अरेंज हो जाएगा। सो बेसिकली एक लेडी का ये काम करते हैं, जो एक लेडी घर के बिजनेस, अपने घर को पूरी अच्छी तरीके से मैनेज करती है ना, उसी तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग बिजनेस को इंटरनली मैनेज करता है। ठीक है गाइज, इसका मीनिंग क्लियर है। ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों किया जाता है, सबसे पहला इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड, कि हमें जब भी पैसे की ज़रूरत हो ना हमारे पास होना चाहिए, बिजनेस में जब भी पैसे की ज़रूरत हो बिजनेस के पास होना चाहिए, उसको ये नहीं कि भाई आप पैसा कहाँ से अरेंज करें, यार जल्दी से शेयर इशू कर दें या लोन ले लें, तो ये जल्दी वाला काम नहीं होना चाहिए, उनकी फुल प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि जल्दी में अगर आप लोगे ना तो लोन पे इंटरेस्ट रेट भी आपको हाई मिलेगा। ठीक है, सो आपके पास ऑल प्लानिंग होनी चाहिए कि भाई हमारे को पैसा हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, कहाँ से आने वाला है वो हमारी ऑलरेडी प्लानिंग होनी चाहिए, हमारे पास कितना रखा है और कहाँ से और हमें अरेंज हो जाएगा।
सेकेंड टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेट रिसोर्सेज अननेसेसरी. आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई ज्यादा पैसा इकट्ठा नहीं करना है, ज्यादा रेज मत कर लो, शेयर्स पे शेयर इशू करके बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लिया, क्योंकि उससे भी कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाती है. भाई अगर शेयर इशू करें तो डिविडेंड देना पड़ेगा, और अगर आपने डिबेंचर इशू कर दिए तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा. ठीक है, तो आपको ज़्यादा पैसा भी इकट्ठा नहीं करना. घर में चलता है जब हम ज़्यादा सेविंग कर लेते हैं, बट बिजनेस में नहीं चलता, क्योंकि बिजनेस में हमें बाहर से पैसा भी रेज करना पड़ता है. इसलिए क्या है मेन मकसद, क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, भाई पैसे की कमी ना हो और ज़्यादा रेज ना हो जाए गाइस. ठीक है, अब इसके बाद इसकी इम्पॉर्टेंस के लिए गाइस मैंने आपको बताया ना क्या याद करना है आपको, सुनो चार लड्डू लाना. ठीक है, तो जब आपने सुनो चार लड्डू लाना याद कर लिया तो इसका मतलब है कि आपने इसकी फाइनेंशियल प्लानिंग की इम्पॉर्टेंस भी याद कर ली. फाइनेंशियल प्लानिंग की टोटल 7 इम्पॉर्टेंस है गाइस. ठीक है, 7 इम्पॉर्टेंस है, जिसमें सबसे पहली है हेल्प्स द फर्म टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर. फाइनेंशियल प्लानिंग बिजनेस की हेल्प करती है ताकि वो आने वाले प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर के सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर हो जाए उन समय के. ये नहीं कि भाई अब कैसे पैसा आएगा, तो वो उस समय नहीं, उसके लिए पहले से अगर आपको पता है कि आपकी सेल इंक्रीज होने वाली है, आपको पता है कि आपकी सेल 50% इंक्रीज होने वाली है, सो यू हैव टू अरेंज दी फंड्स ना कि भाई हमारे पास पैसा तो हो, हमें इन्वेंट्री भी तो मेंटेन करनी होगी, हमें स्टॉक भी तो बनाना होगा ना, सामान बनाना है, रॉ मटेरियल्स लाना है, सो उसके लिए हमारे पास पैसे की कमी ना हो. सो इट हेल्प्स दी फर्म टू प्रिपेयर फॉर दी फ्यूचर. सो हेल्प करती है, किसकी हेल्प करती है, फर्म की. सेकेंड, अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस. जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हो ना, तो आपको बिजनेस में जो शॉक्स लगने वाले हैं ना, वो नहीं लगते. अब शॉक्स कैसे होते हैं बिजनेस के, कि भाई एकदम से ये सिचुएशन कैसे रेज हो गई, यहाँ पे भी पैसा लगाना पड़ेगा हमें. तो जब आप प्लानिंग करते हो तो आप हर एक एरिया पर कंसर्न करके चलते हो. ठीक है, तो ये आपकी मदद करती है किस चीज़ में, अवॉइड करने में बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस. थर्ड, कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शन. अब फाइनेंशियल प्लानिंग जब आप करते हो तो बिजनेस की बहुत सारी एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट हो जाती है. बहुत सारी एक्टिविटीज कौन सी होती है गाइस, जैसे कि प्रोडक्शन, आपका परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट. तो आपको प्लानिंग आपने जब करी है, फाइनेंशियल प्लानिंग जब आपने करी है, सो आपको पता है कि ऑलरेडी हमने रॉ मटेरियल खरीद लिया, तो परचेज वाला काम हो गया है. सो प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली. जब प्रोडक्शन अच्छे तरह हो जाएगा तो सेल्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है. ठीक है, सो ये कोऑर्डिनेट करती है बिजनेस की वेरियस एक्टिविटीज को. लिंक बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये होता है कि जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हो तो आपको पता है कि हमें इतना इन्वेस्टमेंट है और हमें कहाँ से फाइनेंस लेना है. सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन को लिंक करती है, आपकी मदद करती है कि भैया इतना पैसा लगने वाला है और उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा. उसके बाद है गाइस रिड्यूसिंग वेस्ट डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स. इसमें आपको बार बार समय समय पर ना दोबारा शेयर रेस करने की जरूरत होती है, डिबेंचर लोन इन सब की जरूरत. क्यों? क्योंकि आप पहले से प्लान करके जाते हो. मैंने आपको बताया ना कि जब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं ना गाइस, सो हम लोग पहले से माइंड को अपने प्रिपेयर कर लेते हैं कि हमें ये काम करना है. जैसे कि मैं आपको प्लानिंग में भी बताती हूँ कि जब मार्केट जाने, और अगर आपने पहले से लिस्ट तैयार कर ली है अपनी कि आपको मार्केट से क्या क्या खरीदना है, तो आपके बार बार वाले चक्कर बच जाते हैं. लेकिन जब आप बिना सोचे समझे चले जाते हो तो दो चीज़ें लेके आते हो और चार चीज़ें भूल के आते हो, होता है ना. तो इसलिए प्लानिंग जब हम करते हैं तो हमें पता है कि क्या क्या काम होने वाले हैं, तो उसकी वजह से क्या है, हमारे एफर्ट्स जो हैं वो वेस्ट नहीं जाते. हमें पता है एक बारी में ये सारे काम हम कर लेंगे, क्योंकि वी हैव अ लिस्ट. ठीक है, सो रिड्यूसिंग वेस्ट एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स. बार बार मार्केट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. उसके बाद है सर्व एज अ कंट्रोल टेक्निक. सब ऐसा कंट्रोल टेक्निक, यानी कि आपको इसमें पता रहता है कि बिजनेस में कौन कौन से चीज़ें कहाँ लग रही है. तो जब आपको पता ही है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का डायरेक्ट रिलेशन है. जब आप प्लान करके चल रहे हो सो आप कंट्रोल भी मेंटेन करते हो, बिकॉज यू नो दैट कि भाई ये चीज़ में इतना पैसा लगने वाला है, आपको पता है ऑलरेडी. अगर वहाँ पे ज़्यादा लग रहा है तो आप उसमें देखते हो, इंस्पेक्शन करते हो कि कहाँ हमारा ज़्यादा पैसा लग रहा है और क्यों लग रहा है. सो आपको एक कंट्रोल टेक्निक भी आपको प्रोवाइड करती है.
उसके बाद लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर, जो कि हमने ऑलरेडी इसमें पढ़ा कि प्रिपेयर करती है, वही सेम चीज़ है, प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक कर देती है, यानी कि आप आज की डेट में भी फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हो, फ्यूचर की एक्टिविटीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हो। सो गाइज, हमने ना टोटल 7 इंपॉर्टेंस पढ़ी है, आई होप आपको ये समझ आई होंगी। अब समझ तो आ गई है, लेकिन याद कैसे करना है। सुनो चार लड्डू लाना, अब सुनो का ना एस उठा लो, सुनो का क्या उठाना है, एस, एस फॉर सर्व एज अ कंट्रोल टेक्निक। सो आपको ना इसके नोट्स तो गाइस जरूर बनाने हैं, इसके सिर्फ पॉइंट्स के नोट्स बनाओ। सर्व एज अ कंट्रोल टेक्निक्स में से एस उठाना, ठीक है। सुनो चार, चार में सी एच ए आर, सी फॉर क्या होगा आपका, कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस एक्टिविटी, एच फॉर हेल्प्स इन, हेल्प्स द फर्म टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, सी एच ए, ए फॉर अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस, आर फॉर रिड्यूसिंग वेस्ट एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। तो चार तो इसमें से आ गए, एक हमने सुनो में से उठा लिया, लड्डू दैट इज लिंक बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड लाना का भी एल लिया हमने, लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर। तो इस तरीके से गाइज आप इसकी इंपॉर्टेंस याद कर लोगे बहुत ईजिली। आई होप आपको ये वीडियो समझ और पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, और अपने डाउट आप मेरे से यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।